टैक्स से जुड़ी परेशानियों से आपके कारोबार का पूरा विवरण तैयार करने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। देश के बाजारों में खाने वाले तेलों के भाव टूटने लगे हैं। पिछले सप्ताह विदेशी बाजारों में भी खाने के तेलों के दाम में गिरावट आई थी। इसका असर अब तेल की खुदरा कीमतों पर जल्द ही दिखना शुरू हो जाएगा। बता दें कि सरकार ने खाद्य तेल कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर कीमतों में आई गिरावट का लाभ जनता तक पहुंचाने का निर्देश दिया था। सरकार की कोशिश है कि खुदरा बाजार में भी खाने वाले तेलों की कीमतों में गिरावट आए। जून में भी तेल बनाने वाली कंपनियों ने कीमतों में कटौती का ऐलान किया था। तेल कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ हुई बैठक में सरकार ने अधिकतम खुदरा मूल्य यानी MRP में लगभग 15 रुपये प्रति लीटर तक की कटौती करने का निर्देश दिया था। सरकार चाहती है कि विदेशी बाजारों में तेल की कीमतों में आई गिरावट का लाभ आम लोगों को भी मिले। पिछले महीने भी कुछ तेल कंपनियों ने सरसों और सूरजमुखी तेल के दाम में कटौती का ऐलान किया था। हालांकि अभी तक कम हुई कीमतों का असर खुदरा बाजार में नहीं दिखा है। वहीं PTI के अनुसार सरसों तेल का थोक दाम दिल्ली में लगभग 134 रुपये प्रति लीटर बैठता है। MRP में इससे पहले की गई 10 रुपये की कटौती के बाद सरसों तेल का रेट 194 रुपये प्रति लीटर हो गया था। अगर सरकार के कहने के बाद तेल बनाने वाली कंपनियां MRP में 15 रुपये की कटौती करती हैं तो 1 लीटर सरसों तेल का दाम 180 रुपये हो जाएगा। वहीं बता दें कि कच्ची घानी तेल की कीमतें 65 रुपये घटकर 2315 से 2395 रुपये और 2355 से 2460 रुपये टीन पर बंद होती दिखी थी। वहीं ग्लोबल मार्केट में खाने के तेल के गिरे रेट का असर घरेलू खुदरा मार्केट में फिलहाल नहीं दिखने को मिल रहा है। वहीं भारत दुनिया में सबसे ज़्यादा पाम ऑयल इंपोर्ट करने वाला देश है। वहीं सॉल्वेंट एक्सट्रेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी कि सी के कार्यकारी निदेशक ने बताया कि पिछले महीने खाने वाले तेल के दाम 300 से $450 प्रति टन तक घटी है। इस वजह से उम्मीद जताई जा रही है कि कंपनियाँ तेल की कीमतें जल्द ही कटौती का ऐलान इनमें कर सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स TV। आपके हर बिल को बनाने और उसका हर हिसाब रखने तक बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।